तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी सामान दिख रहे हैं, जितना भी पार्ट्स देख रहे हैं, ये चाइना होंडा वाटर पंप सेट का है, जिसे हम WP30 बोलते हैं। ये वो इंजन है, मैं आपको एक सिंपल दिखा दूँ, ये टंकी आप पहचान रहे होंगे, ये वही इंजन है। ये इंजन जो है बिना ऑयल का चल गया था और ये इंजन सीज कर गई थी, इसका जो कनेक्टिंग है करेंक से जाम कर गया और सीज कर गया। ये देखिए ये करेंक जो देख रहे हैं, ये कनेक्टिंग सीज कर गया, जो कि कनेक्टिंग कुछ इस तरीके से होता है, ये बीच में टाइट होता है यहाँ पर, और यहाँ पे मोबिल नहीं आने की वजह से ये जाम कर गया इससे और ये टूट गया। आप देख सकते हैं ये जब ये कनेक्टिंग टूटा तो कनेक्टिंग टूटने के साथ साथ ये करेंक भी ख़राब हो गया, और उनके साथ ये टूटने का क्या वजह बनता है, क्या कारण बनता है, आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। अभी देख सकते हैं ये पुराना करेंक है, हमारे पास न्यू करेंक भी है, हम इसमें नए करेंक हम इसमें डाल रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये जो कंपनी है SS गोल्ड का है, SS गोल्ड कंपनी का ये करेंक है, ये पैकिंग देख सकते हैं, इसी में करेंक शाफ्ट आया था, और पिस्टन वगैरह जो है ये होमेका का है, रिंग डाल रहे हैं इसमें। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी इंजन ऑयल चाटने लगता है रिंग पिस्टन ख़राब हो जाता है, जैसे कि ये देख सकते हैं ये रिंग हो गया, ये रिंग अगर ख़राब हो जाएगी कट जाएगी तो इंजन से ऑयल कम होने लगता है, मोबिल घटने लगता है, और इन्हीं की वजह से जो है मोबिल घटने की वजह से हमें पता नहीं चलता कि मोबिल है या नहीं है, और हम चलाते रहते हैं, चालू करके छोड़ देते हैं, घर आ जाते हैं, और कुछ देर बाद जब मोबिल ख़त्म हो जाती है तो इंजन गर्म होकर हीट होकर ये जाम कर जाता है, सीज कर जाता है। तो इसके लिए एक चीज़ इसमें लगाई गई है दोस्तों, ये ऑटो कट का सिस्टम भी दिया गया है, कि अगर मोबिल कम हो जाता है इंजन से, बाय दफ़ा आपको ध्यान नहीं रहा कि कितना मोबिल चला नहीं चला, रिंग जैसे ख़राब है मोबिल चाट रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे एक मशीन लगाया जाता है, और वो मशीन अगर कटा हुआ रहे, वो काम अगर नहीं करता है, अगर वो मशीन काम नहीं करेगा तो फिर आपका मशीन जो है वो बंद नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये वो मशीन है दोस्तों, इसी के ज़रिए से ऑटो कट का काम करता है, जब भी मोबिल कम रहेगा तो ये पता देगा कि मोबिल कम है, और ये करंट को तोड़ देता है, ये करंट जो है बॉडी टच कर देता है, ये देख सकते हैं ये जो होता है ये बॉडी से इस तरीके से टच कर देता है, और करंट को जो है यानी कि इंजन को बंद कर देता है, करंट काट देता है। तो ये इसका जो कनेक्शन है दोस्तों ख़राब हो चुकी है, अगर आपके स्कूटी आपके भी इंजन में ये समस्या बन रही है, मतलब ये कनेक्शन ख़राब हो गया है, तो आप इसे चालू करवा लो, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है खास करके इस मशीन के लिए। तो चलिए आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि पूरे इंजन को फिट कैसे करना है, सारे एक एक पार्ट को जो है इसमें कैसे फिटिंग करना है, क्योंकि हर जगह जो है इसका काम नहीं होता है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से है जहाँ पे मैकेनिक ना हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि चाइना होंडा वाटर पंप सेट का जो फुल इंजन है वो कैसे फिटिंग किया जाता है, ठीक है। और हमने क्या किया है इसमें, सिलेंडर ब्लॉक को बोर किया दोस्तों, देख सकते हैं पहले से धुआं मार रही थी ये इंजन, तो इसमें स्टैंडर्ड साइज का था, हमने 25 नंबर का पिस्टन डाला है, और 25 नंबर का ही इसमें रिंग भी डालेंगे, ये पिस्टन फाइनली इसमें हमें डालना है और रिंग भी डालना है इसके अंदर 25 नंबर का, और चलिए जानते हैं कि फिटिंग कैसे करना है। हमारे हाथ में करेंक है, करेंक में जो है हम कनेक्टिंग को जब सेट करेंगे तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कनेक्टिंग प्ले तो नहीं है ज़्यादा, वो हमें चेक करना है, तो इसमें इंजन ऑयल डालना है हमें, और इस तरीके से इंजन ऑयल डाल के हम कनेक्टिंग को चेक करेंगे। अब हमें ये कनेक्टिंग चेक करना है, कभी कभी कनेक्टिंग और करेंक जो है आपस में नहीं मिलता है, ये जो है ये प्ले नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मोटरसाइकिल में प्ले होता है वो नहीं है, ये आवाज़ भी नहीं करेगी अगर लगाएंगे तो। इसे वापस खोलता हूँ, अब देखिए ये जो है ये गवर्नर का लीवर है ये, तो इसे हमें पहले मिलाना है, लगाना है। कासिम भाई आए बता जा। इसके बाद ये पतला वाशर डाल के हम गवर्नर का ये प्लास्टिक वाला लगाएंगे इस गवर्नर में, यहाँ देखो ये मैंने लगा दिया, और यहीं पे ये जो है ये लीवर जो देख रहे हैं इसी के ऊपर पड़ा रहता है, अगर ये गवर्नर टूट जाता है या फिर ऊपर का ये प्लास्टिक वाला टूट जाता है तो इंजन स्टार्ट होने के बाद हाई स्पीड हो जाती है। अब मुझे ये ऑटोमेटिक वाला ये ऑटो कट वाला मशीन लगाना है, अब
अंदर में ये 10 नंबर का बोर्ड लगेगा इसके ऊपर। इसके ऊपर हम एक्सीलेटर के लीवर को लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये लॉक लगाना पड़ेगा, इधर से लॉक लगाना है हमें। फिर लीवर को लगाना है हमें, एक्सीलेटर का ये लीवर है जो हम एडजस्टिंग करते हैं। ये देखिए गवर्नर और ये करेंट का जो स्पॉकेट है दोनों आपस में मिल जाना चाहिए, ठीक है। कपड़ा रोक। तो गाइस यहाँ देखिए मैंने इसमें कनेक्टिंग लगा दिया, पिन भी लगा दिया, दोनों तरफ मैंने लॉक भी लगा दिया, ठीक है, दोनों लॉक दिया लगा दिया। अब देखिए पिस्टन जो आप लगाएंगे सिलेंडर में, ये तीर जो है वो नीचे रहेगा, तीर नीचे रहेगा, और कनेक्टिंग जो आप लगाएंगे देख सकते हैं ये नीचे जो ज़्यादा पार्ट होता है जो झुका हुआ ये नीचे की ओर रहेगी, और ये छोटा सा जो नोक है ये ऊपर की ओर रहेगी, ठीक है। यामा मोटो जो है इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, आप समझ लीजिए किसी भी कंपनी का लगाते हैं ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और पिस्टन में भी। तो इसी तरीके से इसमें हमें पिस्टन को लगाना है। अब रिंग को मैं सारे रिंग को फिटिंग कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि रिंग की गैपिंग वैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है आपको, बस रिंग लगाने से पहले आपको एक बार ध्यान देना है कि रिंग को आप चेक कर लीजिए, ठीक है, रिंग की गैपिंग को आप चेक कर लीजिए। ध्यान दे दोस्तों कि अगर रिंग गैपिंग अगर इतना अगर रहता है, एक इतना रहता है तो आपकी इंजन की इंजन जो है सक्सेस होगा, ठीक है। एक बाल अगर बाकी रह जाता है इसमें सटने में तो समझे कि रिंग जो है सक्सेस हो जाएगा। अगर ज़्यादा गैपिंग रहता है, इतना अगर गैपिंग रहेगा तो इंजन आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा, धुआं मारता रहेगा, मोबिल चाटता रहेगा। तो मैंने इसका जो है जो बोर करा आपको दिखाते हैं किस तरह का बोर हुआ है। ये टॉप टू वाला रिंग आपको चेक कर लेना है अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे जोड़ है नीचे, देख रहे हैं ये जोड़ है पूरी तरीके से बिल्कुल जो है आपस में सट चुका है पूरा जोड़। तो इस तरह का अगर रिंग फिनिशिंग रहता है तो काफ़ी दिनों तक जो है जल्दी से धुआं नहीं मारेगी, करीब 300-400 घंटा जो है पूरा कंप्लीट जो है ये इंजन चलेगी तभी धुआं मारेगा। रुक नजदीक, मैंने रिंग इसमें इंस्टॉल कर दिया, जिस रिंग में टॉप वन लिखा रहेगा वो ऊपर की ओर रहेगी, जिस रिंग में टॉप टू लिखा हुआ रहेगा वो दूसरे नंबर पे रहेगी, यानी कि बीच वाले में रहेगा। ये ब्लैक वाला जो रिंग है ये बीच वाला हमने दे दिया। तो इसमें देखिए आप लोग ज़्यादा ध्यान देते होंगे इसका जो मुंह है ये कहाँ पे रखना है, इसका जो जोड़ है कहाँ रखना है। तो टॉप वन का जोड़ जो है ये ऊपर मैंने दे दिया, टॉप टू का जो जोड़ है वो नीचे दे दिया, और दो पतले वाला जो रिंग होता है हमने दोनों कोने पर दे दिया, एक रिंग गैपिंग जो इधर दे दिया एक इधर दिया, बाकी स्प्रिंग वाले को कहीं भी लगा देना है। अब यहाँ से मोबिल हम डालेंगे, और रिंग फिटिंग करने के लिए हमारे पास कोई भी औजार नहीं है इसका, रिंग फिटिंग करने वाला पिस्टन लगाने वाला जो सिलेंडर में हम लोग लगाते हैं कोई औजार नहीं मेरे पास। एक बड़ा पेचकस दो पतला पेचकस लेना है और इसके ज़रिए से हम रिंग को सिलेंडर में फिटिंग कर देंगे पिस्टन के साथ। ये देखिए अगला पेचकस, तो इस तरीके से दो पतला पेचकस से आपको रिंग दबाना है और इस तरीके से ठोकना है तो रिंग जो है अंदर की ओर चली जाएगी। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लें, कासिम मोटो फेसबुक पेज है। ये देखिए टॉप टू वाला रिंग जो है अंदर चला गया है, अब टॉप वन वाले रिंग को लगाएंगे। तो देखिए टॉप वन वाला रिंग भी जो है अंदर चला गया। अब यहाँ से क्या करेंगे,
थोड़ा जो देखिए सिलेंडर को जो मैंने बोर किया इसी वजह से टाइट चला जाता है। हम सिलेंडर को बोर ही रखते हैं और एक घंटा इंजन स्टार्ट करके रख देते हैं, इससे फ्री हो जाता है, उसके बाद ही हम इंजन को चलाने देते हैं। अब ऊपर से जो है हम इस तरीके से लगा देंगे, ये देखिए दोनों नट में हम ऑयल डाल देते हैं जो फ्री टाइट हो सके। अब मुझे इसको टाइट कर देना है, फुल टाइट करना भाई, ठीक है रोक। तो ये पिस्टन टॉप पे आ चुका है, ये देखिए हमने पिस्टन कैसे लगाया। अब हम क्या करेंगे, अंदर में ये दो पुश देंगे, कैमशाफ्ट से ये जुड़ा रहता है। रोक, दो पुश हमने लगा दिया जो कैमशाफ्ट से जुड़ा रहता है। अब देखिए कैमशाफ्ट को आपको ध्यान देना है, ये सही रहना चाहिए, ये इस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है ये काम कर रहा है। अब इसमें देखिए एक टाइमिंग होता है क्रैंकशाफ्ट में और ये कैमशाफ्ट में, तो ये दोनों टाइमिंग जो है आपस में मिलकर लगाना होगा, आपको मिलाकर लगाना है, ठीक है। तो ये मिलाकर हमने लगा दिया, अब ऊपर पैकिंग लगा के हम इस चैम्बर को लगा देंगे। तो पैकिंग इस तरीके से आपको लगाना है, चैम्बर आप फिटिंग करेंगे तो देख। अगर ये पैकिंग फटा हुआ है, गैसकेट फटा हुआ है, तो आप नया डाल दें। हमने हेड का कोई काम नहीं किया है और ना इसको साफ किया है, अगर साफ करते हैं थोड़ा बहुत बल्ब में चला जाता है कचरा, इसी वजह से साफ नहीं करते। तो इस तरह का 12 नंबर का गोटी मिलता है बीट, इसे आप खरीद लें, इससे बहुत ही आसानी होता है। ये जो है इस तरीके से लगेगी, यहाँ पे पैकिंग ये लगा हुआ रहना चाहिए और ये अंदर साइड में लगेगी। एक्सीलेटर लगाना है और ये भी जरूरी चाहिए भैया, आपको बताएंगे गवर्नर सेटिंग कैसे करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्लास। अब देखिए इसको जो है ऐसे इस तरीके से आपको प्लास से ऐसे दबाना है जो अंदर में जो लीवर था वो गवर्नर से मिल जाए, ठीक है। अब ये देखिए ये जो देख रहे हैं ना ये आगे की ओर आपको दबा के रखना है, ये जो एक्सीलेटर का लीवर है जो तार देख रहे हैं ये आगे की ओर इस साइड में खींच के रखना है, ठीक। अब टाइट करो,
ये गवर्नर जो है सेटिंग हो चुका है। अब ये इस तरीके से काम करेगा, मैं यहाँ पे स्प्रिंग लगा दूंगा, स्प्रिंग अगर टूटा हुआ है अगर मिलता है तो आप लगवा लें। वैसे ये स्प्रिंग टूटने से कुछ खास दिक्कत नहीं पहुँचता है, ठीक है। अब यहाँ से हम मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट तो ये है मैग्नेट इसका। जब आप कॉइल लगाएंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जो पैकेज देख रहे हैं इतना आप इसको थोड़ा दूर रखिए इससे, ठीक है। इतना जो है आपको दूर कर देना है, यही टाइमिंग होता है इसका कॉइल का। देखिए ये जो है मैग्नेट चुम्बक से नहीं सटेगा, ये एक्सीलेटर है, यहाँ से आपको ऐसे लगाना है, ये देखिए, और गवर्नर के लीवर से जाके लगेगा। अब देखिए इसका टैपेट कैसे सेटिंग करना है, तो सबसे पहले आपको ये क्रैंक जो है इसका जो चाबी देख रही है वाला इस साइड का, ये सामने रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम टैपेट मिलाएंगे, तो टैपेट मिलाने से पहले अभी तक मैंने ये रड नहीं लगाया है, तो ये रड में लगाता हूँ, ये ऊपर से ही ये लग जाता है। अगर आपने बल्ब खोला है ग्राइंडिंग करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए, तो आपको बता दें छोटा बल्ब जो लगेगा ये सेंसर की तरफ, और बड़ा बल्ब जो लगेगा वो कार्बोरेटर की तरफ। रख ये देखिए, ये एक बूस्ट होता है टेपी वाला, इसको यहाँ पे लगाएगा सेंसर के साइड में जहाँ छोटा बल्ब लगेगा, और इसे दबाकर हम ऐसे बैठा देंगे। देखिए टैपिट को आपको एडजस्ट करना है, जैसे कि ये वाला टाइट है तो इसे हम लूज करेंगे 10 नंबर चाबी और 14 नंबर चाबी के जरिए से, या फिर 13 नंबर चाबी के जरिए से। चलो ये ठीक है,
डन। अगर आपका इंजन काफ़ी दिनों से चल रहा है और प्लग आपने चेंज नहीं किया है तो एक बार प्लग चेंज कर लें, इससे स्टार्टिंग की समस्या दूर हो जाएगी। हालांकि ये प्लग सही है, टंकी लगा। इस इंजन में फिर से नया जान आ चुका है और फिर से ये काफ़ी दिनों तक चलती रहेगी। बस कस्टमर को इंजन ऑयल के ऊपर ध्यान देना होगा, 30 घंटा या फिर 25 घंटा चलाने के बाद इंजन ऑयल इसको चेंज करना पड़ेगा और समय समय पर इसको देखना पड़ेगा इंजन ऑयल है कि नहीं है। बाकी दोस्तों ये सब चीज़ आपको देखना पड़ता है इस इंजन में खास करके, ठीक है। तो मैंने ये जुगाड़ बनाया था क्योंकि इसमें टंकी में कोई भी ऑयल वगैरह नहीं था, तो मैंने ये जुगाड़ बना के इसको स्टार्ट कर दिया और ये इंजन स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस इंजन को हम अब चला सकते हैं, एक किक में स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार अगर रस्सी खींचेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर आपके पास भी ये चाइना होंडा वाटर पम्प सेट, अगर आप के उधर क्षेत्र में मैकेनिक नहीं है, फिर मैकेनिक से काम करा कर अगर थक चुके हैं, काम नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से, तो एक बार मेरे पास आए। हमारा पता है कासी मोटो नरेनी, आप गूगल के लोकेशन में सर्च कीजिए, आपको हमारा वर्कशॉप के बारे में पता लग जाएगा। मैं झारखंड कोटा जिला से हूँ और नरेनी में हमारा वर्कशॉप है। नरेनी सामने अगर देखेंगे मेन रोड पे तो उस साइड में हमारा कब्रिस्तान पड़ता है और हमारा जो बोर्ड है कुछ तरीके से लगा हुआ होता है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि अगले भाई को जो है इसकी जानकारी हो सके और खुद से भी जो है घर बैठे इसको सही कर सके। जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करें, इससे पूछताछ करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसमें सवाल करेंगे भाई कि इसमें कितना खर्चा पड़ा, तो खर्च की बात करें तो 2500 से 2500 के लमसम में खर्च पड़ जाता है इस तरह के कामों में।